Good morning, everyone. I hope you will be fine. Today it is day 15 class of English of grade 4. Today we will read our exercises on page number 16. Okay, let's start. Exercise D. Make abstract nouns from these words. यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं जिनसे आपको abstract nouns बनाने हैं. Okay, first wise. Wise से बना है abstract noun आपका विजडम. सेकेंड नो. नो से बना है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉलेज. थ्री ट्रू. ट्रू का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ट्रूथ. नाउ फोर ब्रेव से ब्रेवरी. हैप्पी से हैप्पीनेस. फ्री से फ्रीडम. ओके नाउ एक्सरसाइज ई. मैच दीज वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको उनके मीनिंग से आपको उनको मैच करना है. फर्स्ट वंडर्ड. वंडर्ड मीन्स thought. purify. purify to clean, to remove impurities. okay now third polluted. polluted means ganda karna yani ki made something dirty, unclean and unfit for use. so we match it from d. and for spoil. spoil means ganda karna yani ki make something bad. okay first match by b, second match by a, थर्ड मैच बाय डी एंड फोर मैच बाय सी. एंड स्टूडेंट्स हियर इज वर्कशीट थ्री. ए क्वेश्चन. डिफॉरेस्टेशन इज द एक्ट ऑफ कटिंग डाउन ऑल द ट्रीज इन ए प्लेस. राइट अ पैराग्राफ अबाउट व्हाई डिफॉरेस्टेशन इज वेरी हार्मफुल एंड व्हाई वी शुड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन. यू मे यूज द दीज पॉइंट्स. आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. जैसे कि व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट शुड वी डू टू स्टॉप इट. व्हाई शुड वी प्लांट मोर ट्रीज. ओके एंड क्वेश्चन नंबर बी. मेक वेस्ट आइटम्स यूजफुल अगेन इज कॉल्ड रिसाइकलिंग. यानी कि वेस्ट आइटम्स को दोबारा यूज करना रिसाइकलिंग कहलाता है. वॉट आर द आइटम्स दैट वी यूज एवरी डे दैट कैन बी रिसाइकल्ड. यानी कि कौन से ऐसे आइटम है जिनको हम यूज करके दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं यानी कि यूज के लिए काम में ले सकते हैं. राइट ए फ्यू सेंटेंस. आपको ऐसे ही कुछ सेंटेंस बनाने हैं. ओके डू इट बाय योर सेल्फ.